सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 9th की बात करें, जगमोहन और रमेश दोनों के दोनों पार्टनर हैं। तो एक जगमोहन है और एक कौन है, रमेश है, दोनों पार्टनर है और कैपिटल कितने लगाते हैं, 10 लाख और 5 लाख लगाते हैं। मतलब 10 लाख कौन लगाता है, जस जगमोहन लगाता है, और 5 लाख कौन लगाता है, यहाँ पर जो रमेश है वो लगाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या कहता है, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, तो उन्होंने डीड नहीं बनाई। ठीक है। जगमोहन कहता है कि मेरे को क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए 6% पर एनम। ठीक है। तो ये कितना मिलना चाहिए, 6% पर एनम मिलना चाहिए। लेकिन जो जगमोहन रमेश क्या करता है, कन्विंस करता है किसको, जगमोहन को, कि जो इंटरेस्ट दिया जाएगा कैपिटल के ऊपर कैन नॉट बी अलाउड ऑन कैपिटल टू विच जगमोहन एग्रीड आफ्टर द डिस्कशन। ठीक है। व्हाट आर्ग्यूमेंट मस्ट हैव बीन पुट फॉरवर्ड रमेश दैट कन्विंस जगमोहन, तो जगमोहन को कैसे कन्विंस किया रमेश के द्वारा, तो किस जजमेंट, किस आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग किया, क्योंकि पार्टनरशिप जो एक्ट है उसके अंदर कुछ साइलेंट फीचर है, अगर आप डीड नहीं बनाते तो वो फीचर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाते हैं। और उसमें क्या है, अगर कोई आप पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई रिटर्न में एग्रीमेंट पहले से नहीं बनाते, तो उस केस के अंदर कोई भी पार्टनर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डिमांड करे तो वो नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो चीजें पार्टनरशिप डीड के अंदर डिफाइन नहीं है। तो ये जो रमेश के द्वारा कन्विंस किया गया जगमोहन को, वो इसी कंसेप्ट का हवाला देते हुए किया गया कि जो पार्टनरशिप एक्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर आपने डीड के अंदर डिफाइन नहीं किया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।